नमो नम वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णमति प्रति सत्यवतये नमो नम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दवा नाला सामा संसार दहने दत्त जीव कोला उधर कारणी करुणा वारी कृपा वारी अति रत्न करी ब्राह्मे मूर्ति पर
Yeah.
Thank you.
अब कृष्ण देव भगवान कृष्ण देव भगवान
श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ गोविंद मदन मोहन जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। श्री मंगल आरती जी की जय। श्री महाकीर्तन की जय। ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्तिदान श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतभक्त नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री भक्तिदान सिद्ध विक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री भक्तिदास मामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री स्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्म श्री गौर सिद्धांत गौर सप्तम जय उनके समागत श्री गुरुदेव हरे कृष्णा गुरवे दौरचंद्राय राधिकाय जयस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी सहज विकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सद्भवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ बैठ चुप सर हरे कृष्ण हाँ हरि बोल। हम लोग दत्त कल्य श्रवण कर रहे थे। कल रविंद्र प्रभु जी एक प्रसंग बता रहे थे कदि ये श्री विद्रा स्वरूप की उपाख्या में भागवत कहते भागवत किसको कहते हैं बोले भागवत उससे कहते हैं जिसमें विद्रा स्वरूप की कथा हो और जिसमें विद्रा स्वरूप की स्तुति और जिसमें उपाख्यान हो कहते उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। हरे कृष्ण ये ओके हरे कृष्ण कहते भैया उसमें ऐसे कौन सा विषय है कहते जिसको कहते हैं जिसमें जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं उसमें क्या विषय से बात है आज हम लोग उसी को ऊपर में सुनेंगे। ठीक है उनका जो पहला श्लोक है वो युद्ध कर रहा था इंद्र के साथ लेकिन युद्ध करते करते उसको भगवत स्मरण हो उठा। लेकिन युद्ध करते समय देखना जब कोई युद्ध करता है ना मरना नहीं तो मारना उसको और दुनिया में कोई चीज सोचता नहीं लेकिन युद्ध अवस्था में भी उसको इतने भगवत स्मरण है इतने भगवत चरण में अभिष्ट है उसी समय में भी ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। बोले कैसे कैसे हो गया कभी ये पूर्व जन्म में ये चित्रकेत महाराज थे और इनका जो गुरु जी श्री शंकर सन थे। एक दिन ये चित्रकेत महाराज अपना पत्नियों को लेकर के एक विमान बैठ करके आकाश में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते
जब उन्होंने कैलाश में पहुंचा, वहां पर देखा श्री शंकर जी अपना गोद में श्री पार्वती को बैठा रखे और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये उपदेश दे रहे थे। अभी इसको देख करके यद्यपि श्री चित्रगुप्त महाराज शंकर जी की महिमा को जानते हैं, शंकर जी कौन है, कद वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव श्री शंकर जी, भगवान के सबसे प्रिय भक्त शंकर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी के बराबर जगत में ऐसे कौन भगवान की भक्त हो सकता है। इसलिए बताया हरिहर एकात्मा, हरिहर एकात्मा भगवान से उनको अभिन्न बताया गया। इसलिए उनको पता चित्रगुप्त महाराज को शंकर जी परम वैष्णव है, लेकिन लोक शिक्षा के लिए उन्होंने कहते अगर दुनिया के लोग अगर देखेंगे पत्नी को तो एकांत में गोद में लेकर के बैठते हैं, लेकिन ये तो ऋषि मुनियों को समाज में अपना पत्नी को गोद में लेकर बैठे हो, दुनिया क्या बोलेगा, इनकी महिमा को दुनिया नहीं समझेगा। इसलिए वो लोग शिक्षा के लिए उन्होंने थोड़ी सी उनको टोक दिए। जब टोक दिए इतने में पार्वती गोद में जो बैठी हुई थी भड़क गई, बोले क्यों, बोले यहाँ पर इतने ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आया और तुम्हारी समझ में आ गया, अब तुम भरी सभा में शंकर जी को टोक रहे हो, तुम गोद में एकांत में पत्नी को एकांत में बैठाने चाहिए और तुम सबको सामने ऋषि मुनियों को सामने पत्नी को लेकर कैसे गोद में बैठे हुए हो। मैया पार्वती तो उनको अभिशाप दे दिया, बोले जाओ तुम राक्षस जोड़ी में चले जाओ। जब उन्होंने अभिशाप दे दिए, लेकिन चित्रगुप्त महाराज वो भी बहुत बड़े पहुंचे हुए संत है, वो भी साधारण कोई नहीं, लेकिन अगर वो उल्टा अभिशाप अगर दे देता ना, शंकर जी भी रक्षा नहीं कर सकते थे, पार्वती भी रक्षा नहीं पा सकती थी, तो वो भी बहुत बड़े संत है। लेकिन जो संतों का जो स्वभाव होता है बड़ा कोमल होता है, इतना संत हृदय संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। इसलिए उन्होंने सर को झुका करके उन्होंने उनके अभिशाप को ग्रहण कर लिया। बोले बाका जी ये आपकी अभिशाप नहीं, ये आपकी वरदान है, लेकिन मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दो, भले ही हम किसी जन्म में क्यों नहीं जाए, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति जैसे हम भूले नहीं, ठाकुर जी की भजन करते रहे, मेरे को केवल इतना ही हमें आशीर्वाद दे दो। जब उन्होंने ये बोले इतने में शंकर जी कह रहे हैं, फिर पार्वती देख लिया तुमने, तू देखने में जितने सुंदर है ना ऊपर से, अंदर से इतने सुंदर नहीं, शंकर जी खुद कहते हैं, क्योंकि पार्वती बहुत ही सुंदर है, इसलिए उनको मृग नयनी बताए, पार्वती को मृग नयनी बताए, बहुत ही सुंदर, बोले ऊपर से तू तो सुंदरी लेकिन अंदर से इतने तुम सुंदर नहीं हो, चूंकि वो मेरे गुरु भाई ना, अगर वो उल्टा अभिशाप देते दे, मैं भी तेरे को बचा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने देखा सर झुका करके तुम्हारी अभिशाप को ग्रहण कर लिया है, तुमको बीच में ऐसे टपकना नहीं चाहिए था, मैं उसको उत्तर देने वाला ही था, मैं उत्तर देता, मैं तो एक पत्नी को लेकर बैठा हुआ, लेकिन तू तो विमान में इतने सारे पत्नी को लेकर घूम रहे, मैं एक पत्नी और तुम्हारे तो इतने पत्नी, और गुरु भाई लगते हैं ना, अब देखना गुरु गुरु भाई में कभी ठिठोली करते हैं, ठिठोली करते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो भक्ति ये कभी नष्ट नहीं होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, पहले उन्होंने भजन किया है ना भगवान की भक्ति की, अभी राक्षस जन्म में आने पर भी इनको सारे पूर्व जन्म की बात याद है, सारी संस्कार इसको अंदर में, इसलिए भक्ति, इसलिए मीरा कहती है ना दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी में राम तन तन पायो, इसलिए भक्ति हर समय बढ़ती रहती है, बट जब कभी घटती नहीं है। इसलिए अभी युद्ध करते करते उनको भगवत स्मरण हो उठा तो उन्होंने चार श्लोकों को द्वारा भगवान की स्तुति की। उसका जो पहला श्लोक है मतलब अहम हरितव पादैकमूलं
दासानुदास भवितास्मि भूव। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना, क्या सुन रहे थे, हमें दासों का दासों का दासों का दास बनना चाहिए। छोटा बनना बढ़िया है, बड़ा बनना अच्छा नहीं। घर में देखना छोटे को कोई चिंता रहता है खाने पीने का, घूमने का, एकदम मस्त रहता है, खेलता कूदता, लेकिन सारे दायित्व तो किसको ऊपर में, घर में जो बड़े हैं, घर में जो बड़े हैं उनको ऊपर में जितने सारे हैं झंझाट, उसको ऊपर में जितने सारे दायित्व तो सब कुछ उसको ऊपर में ही है, सब कुछ उसको ऊपर में है। इसलिए भैया बड़े बनने में लाभ नहीं है, छोटे बनने में लाभ है, ये चीज को समझो हैं। बड़े बनने में लाभ नहीं, छोटे बनो। इसलिए कहते दासानुदास, कहते मैं तुम्हारी दासों का दासों का दासों का सबसे जो छोटा है, सबसे जो छोटे है ना, हमें छोटा बना दो, हमें बड़ा बनने का कोई जरूरत नहीं। अगर बच्चा अगर सो जाएगा ना, बच्चा अगर सो जाएगा जब तक तो मैया उसको खाना नहीं खिला देती है, वो उसको चैन पड़ेगी नहीं, खुद खाएगी, वो खाएगी नहीं हैं। लेकिन बच्चे को पूर्ण विश्वास है हैं, मैया मेरे को खाना खिला करके ही खाएगी। इसलिए वो मस्ती से आनंद लेता रहता है, मस्ती में वो आनंद लेता है। इसलिए कोशिश करो सबके सब हम वैष्णव के दासों का दासों का दासों का, जैसे चरण धूली की धूली की धूली की जैसे हम धूल मल जाए। इसलिए कहते राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो बन जाए, ठीक है ना। एक चीज को गांठ बांध कर रखो, क्या गांठ बांध कर रखो, हम बड़े नहीं बनेंगे, हम बड़े नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। इसलिए महाप्रभु इसलिए कहते हैं महाप्रभु, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले गोपी भर तो पद कमल ओ दास दास दासान दास। हम जो गोपियों की जो भरता जो कृष्ण है उनकी दासों का दासों का दासों का हम दास है, ठीक है ना। इसलिए ये पहला शब्द कहते हैं दासानुदास है। तब बोले भैया दासानुदास में क्या लाभ है, हाँ तब उदाहरण देते हैं कि सबसे पहले कृष्ण भोजन करते हैं, कृष्ण भोजन करने के बाद वो प्रसाद श्री राधा रानी को मिलता है। अब जब राधा रानी को मिला दो लाभ है, पहले तो कृष्ण का प्रसाद और राधा रानी का, दोनों कृष्ण को केवल अपना खाए, जो कृष्ण खाते हैं ना खुद खाते हैं, लेकिन जब राधा रानी खाती हैं, लेकिन जब राधा रानी खाती हैं उनकी क्या भावना है, हम क्या खा रहे हैं, कृष्ण के प्रसाद को सेवन कर रहे हैं। कृष्ण को उतना आनंद नहीं है लेकिन उससे ज्यादा आनंद राधा रानी को, क्यों, कृष्ण इसलिए हमारे बताए श्री कृष्ण प्रसाद पे राधा क्या श्लोक क्या भजे भक्त करे। इसलिए कृष्ण प्रसाद को पा करके राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन उसको जो नीचे ललिता विशाखा कहते इससे ज्यादा आनंद है, जब वो प्रसाद पाते हैं राधा कृष्ण ये दोनों का प्रसाद इनको मिलता है, इसलिए ज्यादा लाभ ललिता विशाखा। लेकिन उसको जो नीचे है कहते रूप में जल कहते सखिया, जब ये प्रसाद पाती है कहते राधा कृष्ण का प्रसाद, फिर ललिता विशाखा की प्रसाद हमें मिल रहा है, लेकिन उसको जो नीचे व्यक्ति का जो प्रसाद मिलता है वो उससे ज्यादा आनंद है, हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद पाते हैं कहते भैया इसमें कृष्ण का भी प्रसाद, राधा रानी की प्रसाद, ललिता विशाखा के प्रसाद और सभी रूप मंजरी इनकी सबका प्रसाद हमें मिल रहा है, लेकिन जो सबसे जो नीचे है उसको किसका प्रसाद मिलता है, ये सबका प्रसाद जो नीचे व्यक्ति को सबसे ज्यादा कृपा, सबसे ज्यादा कृपा इनको मिलता है, हाँ इनको मिलता है। इसलिए बोले तो भृत्य इति स्मर माम लोकनाथ। इसलिए कहते हैं प्रभु मेरे को तो ये इसी रूप में आप स्मरण करो, तेरे नौकर के नौकर के नौकर के नौकर हमें बना दो, हाँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दासानुदास भवितास में को। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कलि युग में आकर के वही चीज को देना चाहते हैं राधा रानी के, जो सबसे जो छोटी सखी है, हैं सबसे जो छोटी सखी उनको मंजरी कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कलि युग में वही चीज ला करके देते हैं, सबसे जो छोटी है वास, हम उनकी राधा रानी की
सेविका की सेविका की सेविका की हम सेविका बन जाए, ठीक है ना। ये चीज को डांट बात के रखो, कभी हम बड़े बनने के नहीं, बड़े बनेंगे तो अभिमान आएगा, बड़े बनेंगे तो अभिमान आएगी। मतलब अभिमान सुरापान, अभिमान मतलब शराब जैसे पी करना बादशाह है, इसलिए जो अभिमान ये सुरापान है। प्रतिष्ठा सुकर निष्ठा, प्रतिष्ठा को सूर्य की निष्ठा बताएगी, इसलिए हम क्या बनेंगे, सबका दासों का, दासों का हम दास बन जाए। इसलिए कहते अहम हरे तब पादई कमूलम दास अनुदास भविदास विभो। बोले भैया हम किसके दासों के, दासों के दास बनना चाहते हैं, कहते सबका दासों का, दासों का दास नहीं। बोले जो एकांत रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति ऐसे होनी चाहिए, भक्ति एक अनिष्ठ भक्ति, बहुनिष्ठ भक्ति, उसको भक्ति नहीं कहते, खिचड़ी हो जाता है। जो बच्चों बस वो करते हैं ना, आज उसको पूज लिया, कल उसको पूज लिया, कल उसको पूज लिया, कल उसको पूज लिया, भैया मन तो एक ही है। गोपियां कहती है ना, एक मन सो गए श्याम संग को आराधे ईश, उद्धव मन ना भयो दस बीस। मन दस बीस नहीं है, मन तो एक ही है। एक मन को आप एक व्यक्ति को ही ये मन को दे सकते हैं, सबको तुम दे नहीं सकते हो। इसलिए कहते भगवान की जो एकांत जो भक्त हैं, उनकी दासों का दास बनना चाहता हूँ। बोले भैया दासों के दास बनकर करोगे क्या, क्या करोगे? बोले प्रभु जैसे हमारी इतने सारे इंद्रियां हैं, कर्म करो तो काया, जैसे वाणी को द्वारा ठाकुर के गुणगान। जब हम भगवान की दासों का दास है, जब भगवान की बन गए फिर तो उनके लिए सब कुछ करेंगे ना। इसलिए प्रभु जब मैं कोई वाणी बोलूं, इसे वाणी में जैसे तुम्हारी कीर्तन छोड़ करके, तुम्हारी जस को छोड़ करके, तुम्हारी महिमा को छोड़ करके, ये जिह्वा जैसे कभी और दूसरे बात नहीं बोले। इसलिए भागवत में बताया जिह्वा असति तात्तुरिक एव, जिसको जिह्वा भगवान की कीर्तन छोड़ करके दूसरे कीर्तन करता है, बोले जिह्वा असति, वो जिह्वा को असति बताया। असति मतलब वो सती नहीं है, वो सती नहीं है। सती किसको कहते, जो जिसकी एक पति हो, क्योंकि जीवन ठाकुर ने दिया, भगवान जीवन ने दिया, ठाकुर जीवन दिया तो क्या करनी चाहिए, उसकी गुणगान करनी चाहिए। भैया जिसको साथ में शादी हुई तुम्हारी, जिस जो तुम्हारे असली पति, पति को तो पत्नी की सेवा करनी चाहिए, तब तो पतिव्रता कहलाएगी ना, तभी तो पतिव्रता कहलाएगी। इसलिए कहते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जब भगवान ही हमारे पिता माता है, उन्हीं की ही जिह्वा जब कीर्तन करे तब तो ये जिह्वा सती, नहीं तो जिह्वा असती। इसलिए हे प्रभु जब ये जिह्वा से कोई भी शब्द निकले, तेरे भक्त और तेरा ही जैसे गुणगान करे, इसको छोड़ कर के जिह्वा से और कोई दूसरी बात नहीं निकलनी चाहिए। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जिह्वा से तुम्हारी कीर्तन, हाथों से तुम्हारी सेवा, कानों से तुम्हारी कथा और आंखों से जब तुम्हारी रूप का दर्शन करे, इसको छोड़ करके जैसे हमारी इंद्रियां और किसी दूसरे विषय में जाए नहीं, हम दूसरे विषय में जाए नहीं, संपूर्ण रूप में तन मन धन से संपूर्ण जैसे तुम्हारी चरण की सेवा में रगड़ करके इसको तुम्हारी सेवा में हम लगा। ये पहला श्लोक है, ठीक है। कहते जो दूसरी श्लोक है तो भगवान कहते भैया जब तुम मेरी सेवकाई करोगे कुछ तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए, जब किसकी सेवकाई करोगे, किसके घर में नौकरी करोगे तो किसको तो कुछ देनी चाहिए ना। भगवान कहते अगर तुम मेरे सेवकाई करोगे कुछ मेरे से ले लो, है स्वर्ग ले लो, जाओ स्वर्ग चले जाओ। सारा दुनिया स्वर्ग जाना चाहते है ना, क्योंकि स्वर्ग में सारे भोग है, सुंदर से सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर से सुंदर अप्सराएं और नंदन कानन पारिजात पुष्प स्वर्ग में,
पारिजात पुष्प में एक फूल में इतने शक्ति है, वहां पर जो कुछ आप मांगो सब कुछ वही दे देगा। जितने तरह का चर्प चुस्ल लज्जक चार तरह का भोजन होता है, जानते कि नहीं, चिवा करके खाना, चार तरह खाना पीना है, इसलिए चुसना कहते चार तरह का बढ़िया बढ़िया खाना जो खाना खाते हैं, इसलिए कहते जितने जो कुछ आप मांगोगे सब कुछ वहाँ एक फूल ही जीवन में सब कुछ दे सकता है। नृत्य गीत वाद्य और जो कुछ पहनना चाहते हो, जो कुछ भोग करना चाहते हो, वहाँ के एक फूल में इतनी शक्ति, एक फूल ही तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है। कहते भैया तो स्वर्ग चले जाओ, वहाँ पर बढ़िया इतने भोग करना, भोग करो, अमृत पियो, नाच गान विद्या सब कुछ वहीं पर, चले जाओ वहां पर। बोले प्रभु ननाथ प्रेष्ठ, प्रभु हमें वो स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले अगर स्वर्ग नहीं चाहते हो जाओ, जो भूर भूप मोह जन तप सत्य लोग, सत्य लोग ये सबसे ऊंचाई लोग हैं, जहां पर इतना ब्रह्मा जी रहते हैं, उनका परमायु इतने लंबी परमायु, उनकी इतने लंबी परमायु है, ब्रह्मा का एक दिन में जगत में कृष्ण राम एक बार आते हैं, 1000 चतुर्युग है, कभी उनका एक दिन रात भी पैसे है, और स्वर्ग में जो आनंद उससे ज्यादा गुण 100 गुण उसको ऊपर में, वहां पर जो आनंद उससे 100 गुण ज्यादा आनंद वहां पर, और ब्रह्म लोक में तो ब्रह्मा जी को लोक में तो आनंद की कोई ठिकाना नहीं। बोले वहां चले जाओ, ब्रह्म लोग दे देता हूँ। बोले नहीं नहीं प्रभु, हमें ब्रह्म लोग नहीं चाहिए। बोले अगर ब्रह्म लोग नहीं चाहिए फिर जो रसातल का लोग ले लो, उससे भी ज्यादा आनंद रसातल में। बोले उसको ले लो। बोले नहीं 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 प्रभु, हम नहीं चाहिए है। बोले अगर नहीं चाहिए तो मुक्ति ले लो, जाओ तेरे को मुक्ति दे देता हूँ। जगत में जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, होगी जरा व्याधि कुछ नहीं होगी, बस वहां पर एकदम ब्रह्म में डूबे रहोगे, इससे पूरा जन्म मृत्यु का चक्कर से ऊपर चले जाओगे। लोगे बोले नहीं 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 नहीं। बोले भैया सब चीज को नहीं नहीं कर रहे हो, कुछ तो है, बोलो कुछ तो लो। बोले क्या लेना चाहते हो? बोले प्रभु हमें केवल एक चीज दे दो। क्या दे दो? बोले तुम्हारी विरह, तुम्हारी विरह दे दो। विरह मतलब है दिन रात तुम्हारी चिंता में मैं डूबा रहा हूँ। जैसे ब्रजवासी लोग दिन रात कृष्ण चिंता में दिन रात डूबे रहते थे, ब्रजवासी लोग जैसे मैया सचिन विष्णु प्रिया जब महाप्रभु छोड़ करके चले गए, उनकी चिंता में दिन रात उनकी चिंता में पूरा डूबी रहती थी। जैसे अयोध्या के है रामचंद्र जब चले गए, कहाँ चले गए? जब वनवास में चले गए, जैसे अयोध्यावासी मैया कौशल्या, जैसे श्री श्री दशरथ महाराज, और सबसे जो बड़ा विरह है ये ब्रजवासी के ग्वाल बाल मैया जसोदा, और जैसे ब्रज गोपी और श्री राधा रानी, जैसे कृष्ण चिंतन में ऐसे डूबी रहती थी, ऐसे डूबी रहती थी, जब तमाल वृक्षों को देखती थी उसको कृष्ण स्मरण होता था, हैं मैं को देख करके कृष्ण मान करके उनसे बात करती थी, तमाल वृक्ष देख कर उसको आलिंगन करती थी श्रीमती राधा रानी, है, और कृष्ण चिंता में इतने डूब जाती सारा दुनिया को राधा रानी भूल जाती, ब्रजवासी सारा दुनिया को भूल जाते थे। बोले हे प्रभु हमें केवल एक चीज दो, दिन रात तुम्हारे चिंतन में ये मन उसमें ही डूबे रहे, दिन रात तुम्हारे चरण में एकदम डूबे रहे, हमें केवल एक चीज दो और कोई चीज नहीं चाहिए। तब तो बोले भैया कैसे डूबना चाहते हो? तब यहाँ पर तीन उदाहरण देकर समझाए। यदि भगवान की चिंतन में जो डूबना कहते, उन्होंने तीन उदाहरण देकर समझाए डूबना तो कैसे डूबनी चाहिए है, तो उन्होंने तीन उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया बोले अजात पक्ष इव मातरम कला। हम लोग देखे होंगे जब किसी घोंसले में कोई चिड़िया जब बच्चा जन्म देता है, देख करके ना उसका मैया चली जाती है। बोले क्यों, कहाँ चली जाती है? बोले दाना चुगने के लिए, उसके लिए भोजन लेने के लिए उसकी मैया चली जाती है। उसके घोंसले में अभी अभी अंडा फूटा है, अभी उसका पथ भी नहीं निकला, वो चली जाती दाना लेने के लिए, भोजन लेने के लिए।
उसी समय बच्चे को बड़ा डर रहता है क्योंकि उसमें बाज पक्षी उसको क्या चील आदर कभी खा लेता है, बिल्ली कभी खा लेता है, हैं सांप कभी आकर के वो बच्चे को खा लेता है, इसलिए वो बहुत डरता हुआ रहता है। बहुत अगर थोड़ी सी पत्ते का कड़कड़ कड़ा शब्द हो ना, चाह मैया आ गई, चाह मैया आ गई, फिर तो ऐसे ऐसे देखने लग जाता है, हैं देखने लग जाती है। कहते हैं प्रभु जैसे एक छोटा पक्षी अजात पक्ष मतलब पक्ष भी उगा नहीं, अभी उड़ने का भी उसका हिम्मत नहीं, जैसे दिन रात अपनी मैया के चिंतन करते करते एकदम उसमें डूब जाता है, कब मैया आए, कब मैया आए, कब मैया आए, और मैया ऐसे ही मैं भी तेरे चिंतन करते 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 पूरा टुकड़ा में डूब जाऊं, मैं भी डूब जाऊं, ऐसे हमको स्मरण हो तुम्हारे, ऐसे विरह हो। लेकिन इसको जब मैया आ जाती है ना, फिर वो चू 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 करते करते देखना बच्चे को अपना मुंह में भोजन देता है, हैं उसको भोजन देते हैं। लेकिन जब भोजन कर लेता है वो छोटा बच्चा, फिर मैया की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वो सो जाता है, फिर मैया को चिंतन नहीं करता है। उसने तो पहले ये उदाहरण दिए, लेकिन भले इसमें भी स्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? किस लिए मैया को चिंतन करता है? मैया हमें भोजन भोजन देगी, इसलिए ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। इसका मतलब है क्या? हम भगवान को इसलिए भक्ति करेंगे, ठाकुर जी हमारी इच्छा पूर्ण कर दे, जब इच्छा पूर्ण कर दे फिर चुपचाप सो जाए, चुपचाप सो जाए, इसमें वो स्वार्थ हो गया, बोले ये ठीक ही नहीं। फिर उन्हें दूसरा उदाहरण दिए, बोले प्रभु जैसे बछड़ा यहाँ पर गया, आप देखे होंगे यहाँ पर तो पहले नियम ऐसे होता था, बछड़े को घर में छोड़ करके माँ घास खाने के लिए चले जाती थी, खेती में चले जाते थे, और बछड़ा रहता था कहाँ पर? घर में। देखना बछड़ा यहाँ पर भी हम्बा हम्बा हम्बा, देखना माँ माँ बोल करके दिन रात चिंता करता है, मैया मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को दूध पिला दे। लेकिन मैया तो चली गई कहाँ पर? घास खाने के लिए। लेकिन वो आएगी शाम को, और जितने शाम होता जाता है वो बछड़ा हम्बा हम्बा, मतलब मैया जल्दी आ जा, दूध पिला दे मेरे को, दूध पिला दे। कहते ये बछड़ा जैसे दिन रात हम्बा हम्बा करता रहता है, बोले प्रभु मैं भी तेरे चिंतन में ऐसे ही दिन रात डूबे रहूं, ऐसे ही डूबे रहूं। अब देखना जब मैया आ जाता है ना, वो बछड़ा फुदकने लग जाता है, पूछ खड़े करके, और आप देखना उसको रस्सी को खोलने के लिए जाओगे ना, रस्सी भी खोल नहीं पाओगे, इतने तेजी से बछड़ा पकता है, और जा करके उसका स्तन में सर को मारने लग जाता है। उसको मैया क्या करती है? उसको चाटने लग जाती है, हैं चाटने, उसको फिर पेशाब करती है, फिर ऐसे करते करते बछड़े को देखते ही मैया के स्तन से अपने आप दूध निकलता है, नहीं तो दूध नहीं निकलेगा, बछड़ा के बगैर गैया दूध देना नहीं चाहता है। बोले प्रभु ऐसे ही जैसे बछड़ा दिन रात केवल माँ की चिंतन करती है, ऐसे ही मैं भी तेरे चिंता में ऐसे ही डूब जाऊँ। फिर उन्होंने इसको उदाहरण दे करके बोले इसमें भी स्वार्थ है, देखना बछड़े जब दूध पी लेता है ना, फिर मैया के चिंतन में फिर उदक फिर घूमता रहेगा, हैं फिर घूमता रहेगा, देखा इसमें भी स्वार्थ है। लेकिन पहले से इसमें और थोड़ी अच्छी बात, बोले क्यों? बोले पहले दाना अलग था और माँ अलग, इसलिए मैया दाना ला करके वो पक्षी की मुंह में दाना लेता था, देता था, दाना अलग और माँ अलग। लेकिन यहाँ पर जो गैया जो दूध है, कहते दूध कब निकलेगा? जब मैया के हृदय बात्सल रस से द्रवीभूत होगी, तभी जा करके उसके स्तन से तभी दूध उतरेगी, नहीं तो दूध उतरेगी नहीं, हैं? इसलिए यहाँ माँ एवं दूध वो एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु, अलग वस्तु नहीं, मैया का हृदय से ही ये दूध निकलती है, इसलिए उससे ये थोड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी स्वार्थ है। फिर उन्होंने तीसरा उदाहरण दिया, प्रियाम प्रिय विषता विसर, उदाहरण दिया जैसे दो पति पत्नी बड़े आराम से रहते थे, एक दिन क्या हुआ पति को कहीं दूर देश जाना पड़ गया, पत्नी से बोला देखो मैं 10 दिन के लिए मेरे कहीं बाहर जाना पड़ेगा। पत्नी बोली आप जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेली अकेली, मैं तो जो श्रृंगार करती हूँ तुम्हारे लिए, बिस्तरा सजाता हूँ तुम्हारे लिए,
भोजन बनाती हूँ तुम्हारे लिए, जो कुछ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए ही करती हूँ। अगर आप जाओगे तो मैं क्या करूंगी? बोले देखो मेरे को जरूरी काम, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले जो स्त्रियाँ होती थी ना, स्कूल नहीं जाती थी। अपना देखना गांव में अभी भी माताएं अनपढ़ है, लिखे पढ़ा नहीं है। वो सही था, गलत नहीं, वो सही है। ये हमारी संस्कृति है, वो अनपढ़ होती थी और घर का सारे काम को ही संभाला करती थी। अगर घर में थोड़ी सी अनबन हो जाए ना, चुप रह जाती थी। लेकिन अभी कोई चुप नहीं। बोले हमारे बगला भी कहते, तू पिए मैं भी पिए, छले धरेगा तुम्हार बेटा धरेगा कौन? बोले तू भी बीए पढ़े हो, मैं भी बीए पढ़ी हूँ, अभी बच्चे को कौन पकड़ेगा? अभी बच्चे को कौन पकड़ेगा? तू भी बीए पढ़ी हो, मैं भी बीए पढ़ी हूँ, अभी बच्चे को कौन पालेगा? अगर थोड़ी इधर उधर हो ना, अभी थोड़ी इधर उधर हो, बोले मैं भी कमाती, बोले तू जा मैं भी जाती। जैसे शरीर का कपड़े बदलते ना, अभी ऐसे ही पत्नी बदलने लग गए। लेकिन अभी आप लोगों का इस इधर में थोड़ी सी सही है, हाँ थोड़ी सही है। लेकिन जितने ज्यादा शहर में जाओगे उतना ही गड़बड़ी है, उतना ही गड़बड़ी वहां पर है। इसलिए पहले माताएं अनपढ़ होती थी, घर का काम संभाल लेती थी, अगर थोड़ी इधर उधर हो तो चुप हो जाती थी, उसमें शांति बना रहता था, उसमें शांति बनी रहती थी। लेकिन अभी कहते नहीं, हम बराबर अधिकार चाहिए, नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये अंग्रेजियों का संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति नहीं। इसलिए जिंदगी इनकी बीत जाती थी। इनकी आप कभी हमारा गांव मैंने कभी भी नहीं सुना कि ये डाइवोर्स चीज क्या होता, मैंने कभी नहीं सुनी है डाइवोर्स कोई चीज होता है, किसको पता ही नहीं था। इसलिए वो बेचारे अनपढ़ है, बोले मेरे को पता कैसे चलेगा तुम कब आओगे? उसने कहा देखो मैं ये दीवार में ना 10 उसमें लाइन खींच देता हूँ, जब एक दिन बीत जाए तो एक लाइन को मिटा देना, दूसरे दिन बीत जाए तो दूसरे लाइन को मिटा देना, तीसरे दिन मिट जाए तीसरे लाइन को मिटा देना, जब एक लाइन रह जाएगी समझना उसी दिन मिटा। अभी पति चले गए, जब चले गए उसने जो श्रृंगार की थी सारे श्रृंगार को उतार कर रख दिया, रोज बिस्तर को बड़ी सुंदर सजाया करती थी, अभी बिस्तर नहीं सजाती है, श्रृंगार नहीं करती है, जो बढ़िया बढ़िया खाना बनाया करती थी, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं बनना दी, किसी तरह से बना करके खा लेती। बोले क्यों भैया, जिसके लिए श्रृंगार करना, जिसके लिए सजाना, जिसके लिए खाना बनाना, वो तो है ही नहीं, हम करेंगे किसके लिए? अभी किसी तरह से जीवन को बिता रही है और एक एक रेखा को एक एक दिन में मिटा रही है। जब एक लाइन रह गई वो समझ गई बस आज का दिन आएंगे, और एकदम सवेरे सवेरे उठ करके हैं, उठ करके उनको जो जो प्यारा, उनको जो जो अच्छी चीज खाते हैं वो एकदम सवेरे से लगी हुई है, सवेरे से लगी हुई खाना बनाने के लिए, एकदम बढ़िया खाना पीना बना करके गर्म पानी करके घर में रख करके और एकदम दरवाजे के पास में बैठे गए, बैठ करके वो राह देख रही है, आज आने वाले पास वहीं पर बैठ करके देख रही। सचमुच से जब देखे उनकी पति देव आ गई, इतने प्रसन्न इतने खुश हो गई, आते ही उनका चरण धोए, उनके चरणामृत ली, ये पहले पहले सब संस्कृति है, पहले चरणामृत ली, उनकी चरण धोए, उनको गर्म पानी में स्नान करवाया और उनको कपड़ा पहनाया, बैठा कर, पहले प्यार नहीं होता था, हाथ पंखा होता था, इसलिए पास में बैठा करके उनको जो जो चीज अच्छा है पास में पड़ोस रही है और दूसरे हाथ में तुमको पंखा कर रही है, उनको पंखा झुला रही है और उनको खाना खिला रही है। कहते हे प्रभु, जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा में तन मन सब कुछ उसकी सेवा में खो देती है और उनकी सेवा के बगैर कुछ नहीं जानती है, उनकी सेवा ही उनकी जीवन होती है, हे प्रभु तुम्हारे चरण में मेरे ऐसे ही प्रेम हो, ऐसे ही विरह हो, दिन रात तुम्हारे चिंतन में सेवा में मैं जीवन को बिता दूं। इसलिए यहाँ पर जो उदाहरण दिया ना, प्रिया प्रिय पति पत्नी का दिया, लेकिन उससे श्रेष्ठ है कि गोपियों की भावना, क्योंकि यहाँ पर तो पति सब कुछ रोजगार करके लाता है, सब कुछ रोजगार करके पति लाता है और पत्नी को पालना करते, लेकिन जो गोपियां है ना उन्होंने कृष्ण से हाथ से कोई चीज नहीं ली। इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं, तो क्या हम खिलाते हो,
हम अपना हाथ से खाती हैं, अपना हाथ से पहनते हैं और तुम्हारी हम सेवा कर रहे हैं। तू हमें खाना नहीं खिला रहे, तुम कभी साड़ी दिए हो? कभी कुछ नहीं दिए। हम अपना हाथों से कमाते खिलाते खाती खाती है और तुम्हारी सेवा हम कर रहे हैं। मतलब जो गोपियों की जो सेवा है संपूर्ण निष्काम सेवा, उन्होंने कृष्ण की सेवा, कृष्ण की चिंतन में जो जैसे डूब जाती है, जैसे विरह में दिन रात कृष्ण चिंतन में डूब जाती, बोले हे प्रभु मेरे को ऐसे ही भाव हो तुम्हारे चरण में, है ऐसे ही भाव हो। चलिए और एक श्लोक रह गया, हम कल सुनेंगे इसको। हाँ, लास्ट उनका भावना किया है, लास्ट उनकी भावना किया है, ठीक है। वंशा बोलो बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण